सिंगरौली से सीधी जा रही बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसमें सवार दर्जनों यात्री घायल हो गए। मोटरसाइकिल सवार एक दंपति को बचाने के चक्कर में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बस से निकाला गया। थाना प्रभारी नेहरू सिंह खंडाते ने बताया कि घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सीधी जिले के बाहरी प्राथमिक चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि सीधी सिंगरौली सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि चलने लायक भी नहीं बची है। सड़क में गड्ढों के चलते आए दिन बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन यहां के विधायक और सांसद अपनी राजनीति में मस्त हैं। उनको जनता की परेशानी चुनाव के वक्त ही दिखती है। इधर प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली, और जहां कई बार दुर्घटना की जानकारी देने के बाद भी बचाव दल देरी से घटना स्थल पर पहुंचा। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्सैक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है, और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।